सर अभी बाबू की कचौड़ी आए हैं जो कि देख सकते हैं शाम में 4 बजे खुलती है, और मैं भी आ गया इनको देख के आज तो कुछ नहीं। ये देख सकते हैं बाबू की कचौड़ी, और यहाँ पे हम ये कचौड़ी लेके जाने वाले हैं। देखो आपको कचौड़ी खाना है तो आप गंज में आ जाइए, और बस 4 बजे दुकान ओपन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बीकानेर इसके साइड में ही है। खाना है तो खा लेना, नहीं खाना तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह चले जाना, मेरा क्या है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ भाई कि यहाँ पे भी मिलते कचौड़ी, ठीक है। तो हमारे साथ में परेश भैया उधर ही कार में है, और हम इधर आगे कचौड़ी लेने के लिए, और ईश्वर सर उधर ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम चले पास में चल लेते और दिखा देते। तो देखो वहाँ पे अभी लाइन में लगे है बाकी, और ये मेन रोड में से पड़ता है आप देखो गन से, और सामने में देख सकते हैं यहाँ पे A to Z किराना शॉप भी है, और उधर प्रेमी किराना है जो कि हम चाय आगे वाली दुकान से लेते हैं, नाश्ता इधर पीछे में ले लेते हैं। देखो यहाँ पे आ सकते हैं, अगर 14 रखे तो 14 दोनों को मिलेंगे ना, तो नहीं आ पाएंगे ना सर, थोड़े कम आए, आप साफ तो करो। आलू वाले घर में क्या बड़ा पार्सल कर बाजू में, दो आलू वाले दे दे पन्नी दाबेली है दाबेली। ऐसे कि मैं क्या बताऊं यार, अब अलग से दोना भी ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पार्सल तो ये ले जा लिए। परेश भैया कहाँ है भैया, चलो उधर पीछे। तो ये है बैतूल के फेमस कचौड़ी सेंटर, और बाकी तो भाई लोग देख रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, वीडियो पसंद आता है तो बस कचौड़ी खाने आ जाओ यहाँ पे, और नहीं पसंद आता तो कमेंट कर दो। देखो ऐसे सूत रहे तो भाई लोग, मैं भी उधर रूम पे कोचिंग में जाके सूत लेंगे, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमेशा मिठाई के लिए आते हैं, और अभी इस वीक में नितेश सर ने यहाँ से 10 किलो मिठाई ले जा ली जो कि बूंदी के लड्डू। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हैं, और आज फिर से हम आलू भुजिया लेने आ गए थे, देख सकते पापड़ जैसे यहाँ पे कुछ और पपड़ी बनी है, तो खाना तो खा सकते, नहीं खाना तो कोई जरूरी नहीं भाई, हम तो खाएंगे, ठीक है। यार लड्डू बने तो किसके लिए बने, हमारे लिए, तो खा सकते भाई लोग। बस पास में गंज में मिलती है A to Z किराना शॉप के सामने है बीकानेर में स्टार भंडार, जो कि ऑल वेराइटी की मिठाई मिलती है, देख सकते हैं मलाई बर्फी, मिल्क केक, मावा चमचम, और फलाना टिकाना पूरे प्रकार के हिंदी में लिखी है, तो आप देख सकते हैं तो भाई यहाँ पे तो हम हमेशा यहीं से ले जाते, ठीक है। और इधर नमकीन भी बहुत सारी है, लेकिन आज हम कचौड़ी में डालने के लिए बारीक वाली नमकीन ले जाएंगे, सर बोल दिए। तो दोस्तों चलो आज की वीडियो में बने रहिए, और आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं, जलेबी वहाँ से ले लेते हैं, चलो जलेबी लेने चल लेते हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों अपनी लाइफ, आपकी लाइफ कैसे मुझे क्या मालूम यार। तो हमारे साथ में हमारे ड्राइवर अभी इधर है, देख सकते हैं जो कि परेश मत खोले है, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है।